और ये दुनिया का प्यारा, दुनिया का प्यारा सबसे मिला से नजारा सजा दुश्मन को मारा हो मारा रे मारा देखो कमाल से की बड़ी क्रांति आई सन 57 को देखो की बड़ी हमको झांसी की रानी आई सबसे आदरी देखो कमाल सुखा सुखदेव भगत सिंह आए सनराज गुरु को लाए सुखदेव भगत सिंह आए सनराज गुरु को लाए बिस्मिल जैसे वीरों से को मिटाया कल फांसी को लाया देखो कमाल मिटा या 600 रास्ते थी या 600 रास्ते थी समाज में दिखाओ चौपाई का।
जिसमें हर बिरादरी, हर समाज, हर जाति, हर धर्म के लोग हैं और जो देश के अंदर अन्नदाता और मजदूरों के साथ जो भाजपा की सरकार धोखा कर रही है उनकी साजिश बेनकाब हो चुकी है। और आज आप देख रहे हैं इस तरीके से जल सैलाब उभर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने अगर ये कानून वापस नहीं लिए तो आने वाले दिनों में ये आंदोलन और बढ़ेंगे। इसलिए आज का ये 3 घंटे का जो चक्का जाम है ये 52 खापों की तरफ से सर्व जातीय, सर्व धर्मीय, बुजुर्ग, नौजवान, महिला सब हमारे 52 खाप कोसी मथुरा से लेकर के बदरपुर तक का हमारा इलाका 52 खापों का इलाका है। इधर मेवात ये सारे लोग इस खापों में आते हैं। लेकिन आपको लगता है सरकार मानेगी? पार्लियामेंट चल रहा है, सरकार को मानना पड़ेगा। सरकार जितना देर कर रही है उतना नुकसान उठाएगी, इसलिए बेहतर है कि किसान मजदूरों के हितों को देखते हुए सरकार फौरन फैसला लेकर के इन काले कानूनों को वापस। आपने ये कुछ निर्णय लिए हैं कि छोटी गाड़ियों को नहीं रोकना है, क्या है आप लोगों का चक्का जाम? चक्का जाम का हमारा जो 52 वाहनों का फैसला ये है कि बड़े वाहनों को नहीं जाने देंगे, लेकिन कोई छोटी गाड़ी, कोई स्कूल की है, मरीज है, कोई हॉस्पिटल है या कोई इमरजेंसी में तो छोटी गाड़ी में जा सकता है, लेकिन दो बड़े रोडों से नहीं, साइडों से। 26 तारीख को भी ट्रैक्टर रैली का बोल दिया गया था लेकिन कई हिंसा देखने को मिला दिल्ली में, क्या आपको लगता है कि इस तरीके से कहीं अगर हिंसा होती है तो इसको लेकर यह आंदोलन अपवित्र होगा? देखिए, ये 52 खापों के इलाके में यहाँ बादशाहों से लेकर के अंग्रेजी हुकूमत तक की कभी हिमाकत नहीं हुई। 52 खापों के इलाके के अंदर हम नहीं समझते कि कोई भी शरारती तत्व अंदर घुस करके हमारे इस आंदोलन को बदनाम करेगा। ये गैर राजनीतिक और सामाजिक तौर पर सब अपने मतभेद दूर करके इकट्ठा होकर के किसान और मजदूर की आवाज बनने की कोशिश कर रहे हैं। ना यहाँ कोई राजनीति है, ना कोई और दूसरी बात है। थैंक यू। देखिए, 52 पालों का कार्यक्रम है और इस आंदोलन है, ये पंचायत भी है और ये आंदोलन भी है। आप इस व्यवस्था को आपने आज देखा, ये बड़े एक सिस्टमेटिक तरीके से है, एक प्लान्ड है, एक ऐसा नहीं है कि भाई आप कुछ भी, कोई कुछ भी कहेगा यहाँ पे। कोई भी जो एक बार पंचायत ने आदेश कर दिया उसको 36 बरादरी मानती हैं, सभी पाले खापे मानती हैं। दिल्ली से आगरा, भरतपुर से अलीगढ़ का बीच का एरिया 52 पालों का है। तो इस आंदोलन में आज जो एक आपने नियम कानून के हिसाब से आपने देखा होगा, गाड़ियों को अलग पार्क किया गया, लगभग ज़्यादातर ट्रैक्टर्स को भी अलग पार्क किया गया और जो इमरजेंसी गाड़ी थी, चाहे एम्बुलेंस है, चाहे स्कूल बसेज हैं, उन्हें बाकायदा बड़े इज्जत से निकाला गया। जो यहाँ लोग जाम में फंस गए थे उन्हें भी बड़े प्यार से सबको भोजन कराया गया, पानी भी दिया गया। तो किसी को भी अप्रिय तरीके से नहीं, समाज, ये किसान है, ये देश की लड़ाई लड़ रहा है, व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। क्योंकि अगर ये कृषि प्रधान देश है, अगर ये किसान मजबूत होगा तो ये देश मजबूत होगा। हम लोग क्या कह रहे हैं, हम यही तो कह रहे हैं सरकार से, आप एमएसपी दे दीजिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। जो आप लोग मिनिमम सपोर्ट प्राइस देते हैं, हम मैक्सिमम प्राइस नहीं ले रहे, मिनिमम ले रहे हैं। बेचारे किसान को इतना तो मिल ही जाना चाहिए, उसकी मेहनत है, लागत है, ये सब। उसमें भी अगर ये होता है कि हमारा 1868 का धान 1200-1400 बिकता है और बिहार जैसे स्टेट्स में 600-800 रुपए में बिक रहा है, तो सोचिए उस बेचारे किसान का क्या होगा, या तो आत्महत्या करेगा या बच्चे। इससे पहले भारत बंद कर चुके हो, 26 जनवरी को जो तिरंगा यात्रा भी निकाली और आज जो चक्का जाम किया, सरकार पर असर पड़ेगा, उम्मीद है दबाव में आएगी सरकार? नहीं, सरकार को समझ जाना चाहिए। अगर वो नेक नियति से ये कहते हैं हम किसान के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो उन्हें इस बात को समझ जाना चाहिए। लगभग 2.5 महीना होने को आ गया, किसान सड़कों पे आके अपनी बात कह रहा है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं एक फ़ोन कॉल की दूरी पे हूँ, सड़कों पे थे, आ जाइए, किसने आपको रोका? आप लोग अपनी बात कह सकते हैं और किसान बड़ी शांति से और मजबूती से इस लड़ाई को लड़ रहा है, अपने हक की और विश्वास की।
क्योंकि आप लोगों ने एक चीज़ और देखी होगी कि यहाँ किसी भी किसान के चेहरे पे ऐसा नहीं है कि वो थक गया है, लेकिन इस देश के लिए लड़ रहा है तो पहले से भी लड़ते आए हैं। मैंने पहले भी आपको बताया है, देश के प्रधानमंत्री को कहना पड़ा एक दिन का उपवास रहो, लेकिन किसानों ने मेहनत की और इस देश को भी पेट भरा और बाहर के देशों का भी पेट भरा और जय जवान जय किसान का नारा लगातार चलता रहेगा जब तक मांग नहीं मानी जाएगी। हाँ, ये संघर्ष की बात है और किसान या तो सरकार ये कह दे हम किसान हितैषी नहीं है, हम किसानों के खैर ख्वाह नहीं है, हम दुगनी दुगनी बातें जो कह रहे हैं नहीं है, तो हम लोग इतने दिन से संघर्ष कर रहे थे कर सकते हैं, लेकिन जब वो किसान हितैषी भी बनते हैं, बड़ी बड़ी बातें भी करते हैं, काले कानून की बात भी करते हैं, तो उन लोगों को अपनी तरफ से सोचना चाहिए, ये बावड़े तो नहीं है किसान ये जो यहाँ पे आके बैठ के बात कर रहे हैं। सर्दी में पूरी बरसात, परसों आपने देखा था रात भर बरसात में भीगते रहे, तो उसके लिए हम लोग कह रहे हैं कि देश की जी जी हम लोग यहाँ पे हमेशा जो पलवल का ये केएमपी के पास में जो धरना चल रहा है, जो पहले से ढाई महीने से चल रहा है, यहाँ पे एक पंचायत की व्यवस्था है, धरना प्लस पंचायत है, तो यहाँ पे अपने निर्णय होते हैं कि यहाँ पे जो एक समाज जो बैठता है कि भाई अब हमें क्या करना है कैसे करना है, उसी तरह से सरकार से बातचीत भी की जाएगी। ठीक है।